अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज़ सित्रा ताहिर, आई एम फ्रॉम विल्स कोर्स कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट की पावर जो है, मतलब हमारे पास एक ये नंबर है जो कि पॉजिटिव है और ये वन की इक्वल नहीं है, क्योंकि वन की कोई भी पावर जो है वो वन की इक्वल ही होती है। तो अब देखिए कि अगर हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की पावर में अगर वेरिएबल आ जाए, ठीक है, कॉन्स्टेंट की पावर में अगर वेरिएबल हो तो हम इसको कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फॉर एग्जांपल 2^x हो गया, ठीक है। अगर इस तरह से अगर हमारे पास जो कॉन्स्टेंट है, सपोज़ वो स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट हो, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, पाई एक कॉन्स्टेंट है, इसी तरह से ई भी एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.71 की इक्वल होती है। ये एक स्पेशल केस है अगर ए की जगह पर ई हो जाए, मतलब कॉन्स्टेंट जो है वो ई हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। हम दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमारा जो बेसिक है उसका डेरिवेटिव भी देखेंगे एंड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी देखेंगे। देखिए अगर हमारा फंक्शन जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उसका अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, देखें e^x का डेरिवेटिव e^x एज इट इज़, और जो हमारी बेस है उसका नेचुरल लॉग एंड x का डेरिवेटिव, ठीक है। दोबारा देखिए e^x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, e^x एज इट इज़ आ जाएगा, बेस का नेचुरल लॉग एंड पावर का डेरिवेटिव। इसी तरह से जो हमारा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें क्या होगा, e^x एज इट इज़, बेस क्या है नेचुरल, बेस क्या है e, उसका नेचुरल लॉग एंड पावर का डेरिवेटिव, लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ ई वन के इक्वल होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ e^x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स के इक्वल रह जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन किसके इक्वल होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन में देखिए अगर हमारे पास a एक पॉजिटिव नंबर है और वन के इक्वल नहीं हो और x इज इक्वल टू a^y लिखा हो, तो y की वैल्यू जो पावर होती है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो सामने हमारे पास नंबर है उसका नेचुरल लॉग टू द बेस ऑफ a। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन को हम बोलेंगे लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a। अब इसी में स्पेशल केस अगर बेस a के बजाय e हो या 10 हो, ई बेस का मतलब क्या है कि ये नेचुरल लॉग है एंड बेस 10 का मतलब है कि कॉमन लॉग है, और जो नेचुरल लॉग है उसको हम नेचुरल लॉग मींस ln ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो अब हम इस फंक्शन जो हमारा नेचुरल लॉग है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना भी देखेंगे एंड हमारा जो टू द बेस ए का भी जो है हम लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना देखेंगे। देखिए अगर हमारा ये फंक्शन है लॉगरिथम ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, लेकिन जो भी आपके पास जिस चीज़ का लॉग फाइंड करना है 1/x बेस 1/ नेचुरल लॉग इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर बेस ई है तो नेचुरल लॉग ऑफ ई आएगा, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 के इक्वल होता है, तो हम इसको 1/x इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। दोबारा देखिए जिस चीज़ का भी नेचुरल लॉग है वो 1/that thing इंटू उसी चीज़ का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम इसकी एप्लीकेशन क्वेश्चंस में देखेंगे। इन फार्मूलाज को आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करना है, पहले आप लोगों ने इसको याद करना है, उसके बाद क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, हमें गिवन क्या है, x^3 मीन्स x³ इंटू e^1/x। अब देखिए दो फंक्शंस जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का जो एक जो है वो डेरिवेटिव को f-(x) से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
अब हम दोनों तरफ जो है वो अगर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई हो जाएगा दोनों साइड्स पर। ये तो बन गया एफ डैश ऑफ एक्स मीन डेरिवेटिव ऑफ एक्स। और इस पे देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड का डेरीवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरीवेटिव। अब आप देखिए ए रेज टू पावर वन ओवर एक्स, अब ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, ई की पावर एक्स एज इट इज़ आ जाता है और साथ एंगल जो भी इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव। तो इसी तरह से ये जो ई की पावर वन ओवर एक्स है ये एज इट इज़ आ गया और साथ जो हमारे पावर है जो कि वन ओवर एक्स है उसका डेरिवेटिव प्लस यहाँ पे ई रेज टू पावर वन ओवर एक्स एज इट इज़ और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या पावर रूल अप्लाई होगा, पावर मतलब थ्री, थ्री रेज टू एक्स की पावर थ्री माइनस वन मीन स्क्वेयर हो गया और एक्स का डेरिवेटिव वन। अब सिर्फ इसका डेरिवेटिव फाइंड करना रह गया तो इसका डेरिवेटिव देखिए इस पर पावर रूल किस तरह अप्लाई होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में लेके आइए तो एक्स की पावर माइनस वन तो इस पर अप्लाई हो जाएगा पावर रूल, पावर मीन्स माइनस वन, पावर में से वन माइनस किया तो माइनस टू एंड बेस का डेरिवेटिव वन जिसको हम माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। तो इसके डेरिवेटिव की जगह पे क्योंकि इसके लिए ढेर सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं तो उसको साइड पे करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आप देखिए दोनों जो टर्म्स हैं उसमें एक्स स्क्वेयर भी आ रहा है, यहाँ पर तो वैसे एक्स स्क्वेयर क्यूब से जो है वो कैंसिल होकर सिर्फ एक्स रह जाएगा। अब आप देखिए दोनों में, दोनों टर्म्स में x भी है और e की पावर 1 ओवर x भी है तो x इंटू ई की पावर 1 ओवर x कॉमन ले लीजिए तो ये 3 रेज टू 3 इंटू एक्स माइनस वन जो है वो इसके साथ फैक्टर बन जाएगा इसका, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, जब भी आपको टू फंक्शंस जो है मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उस पर क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। और बाकी जो है वो साथ साथ जो है वो मैंने रेफरेंस दिए हुए हैं और इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी की तरह के एक क्वेश्चन है ई रेज टू पावर एक्स इंटू वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब आप देखिए इसमें भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक शेप फंक्शन है और सेकंड फंक्शन वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है तो दोनों पे हम अप्लाई करेंगे क्या प्रोडक्ट रूल। उसी तरह से फर्स्ट फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ इंटू डेरीवेटिव ऑफ ई ऑफ एक्स। अब आप देखिए वन का डेरीवेटिव जीरो के इक्वल, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरीवेटिव क्या होता है वन ओवर एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स वन के इक्वल होता है तो सिर्फ वन बाई एक्स आ जाएगा प्लस वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ और ई की पावर एक्स का डेरीवेटिव भी ई की पावर एक्स ही होता है लेकिन साथ एंगल का डेरीवेटिव क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स वन के इक्वल होता है तो ये ई रेज टू पावर एक्स ही के इक्वल आ जाएगा। तो दोबारा देखिए नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरीवेटिव वन ओवर एक्स, e की पावर x का डेरिवेटिव e रेज पावर x ही आ जाएगा। अब दो टर्म्स हैं, एक फुल टर्म ये है एक फुल टर्म ये है, इसमें से e की पावर x कॉमन लीजिए वन बाय एक्स प्लस वन नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज़, ये भी हमारा आंसर हो सकता है या आप चाहें तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, मीन फ्रैक्शंस को ऐड भी कर सकते हैं। डिनोमिनेटर एक x ही के इक्वल और x जो है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के साथ, तो ये दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर फाइव है, फंक्शन हमें गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई किया मीन्स हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे एफ डैश ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड पे देखिए नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का रूल क्या होता है वन ओवर जो जिस पे भी लॉग अप्लाई हो रहा है वो इनटू सेम चीज़ का डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे वन ओवर एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है तो ये पूरा का पूरा जो है इस पे लॉग अप्लाई हो रहा है तो वन ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इनटू इसी चीज़ का डेरिवेटिव। ये तो एज इट इज रहेगा, ये सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन अब यहाँ पे देखिए e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आ जाएगा प्लस एज इट इज़ e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x और फिर माइनस x का डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस वन। इसको आप e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और फिर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको आप हाइपरबोलिक आइडेंटिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल होता है टेन हाइपरबोलिक एक्स के, हमने चैप्टर नंबर वन में इनको डिटेल में डिस्कस किया था तो हम इसको टेन हाइपरबोलिक एक्स भी लिख सकते हैं, हमारा आंसर है।
पार्ट नंबर सिक्स देखिए, फंक्शन हमें गिवन है ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए इंटू एक्स और ई की पावर क्या है ए इंटू एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए इंटू एक्स। तो हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब आप देखिए ये एज इट इज़ है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि e की पावर ए एक्स, तो e की पावर ए एक्स आ जाएगा, साथ एंगल क्या है सॉरी पावर क्या है ए एक्स, तो ए तो हमारा कॉन्स्टेंट मीन्स कॉफिशियंट है, तो ए एज इट इज़ आ गया, एक्स का डेरिवेटिव वन, ये माइनस एज इट इज़ e की पावर माइनस ए एक्स एज इट इज़, इसका इसके पावर का डेरिवेटिव माइनस ए आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो डेरिवेटिव फाइंड करने देखिए, e रेज़ टू पावर ए इंटू एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव क्या है ए इंटू एक्स का ए ही आ जाएगा, प्लस इसमें भी e की पावर माइनस ए एक्स एज इट इज़ और इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या माइनस ए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ये फैक्टर एज इट इज़, इसमें देखिए ये a इधर भी a इधर भी a कॉमन आ सकता है, a कॉमन आ गया तो e की पावर ए एक्स, ये माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस ए एक्स हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी हम चाहें तो a कॉमन ले सकते हैं, तो ये फैक्टर और आगे भी यही वाला माइनस इंटू प्लस जो है वो माइनस के इक्वल आ जाएगा। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म में हमारे पे इसका होल स्क्वायर बनता है और सेकंड टर्म में ये होल स्क्वायर बनता है, तो हमने इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया और a पूरे में से कॉमन ले लिया। अब स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसी तरह से यहाँ पे माइनस एज इट इज़, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ब्रैकेट ओपन कीजिए तो आपके पास जो है वो e की पावर्स वाली ये जो टर्म्स हैं इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। और आप ये देखिए 2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये रेफरेंस दिया हुआ है, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो e की पावर ज़ीरो होगी और किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो वन के इक्वल होती है, तो ये चीज़ सिर्फ 2 रह जाएगा। इसी तरह से सेकेंड टर्म में भी यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाएगा, 2 प्लस 2 बन गया 4 और ये बाहर वाला ए के साथ मल्टीप्लाई होके और डिनोमिनेटर एज इट इज़, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 7 देखिए, पार्ट नंबर 7 में हमें क्या फंक्शन गिवन है, नेचुरल लॉग की होल पावर क्या दी हुई है, नेचुरल लॉग की होल पावर मतलब अंडर द रूट नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x। इस पर अगर हम डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखें पहले होल पावर है, तो होल पावर की वजह से इस पर अप्लाई हो जाएगा पावर रूल, पावर पहले आ गई, पावर में से वन माइनस किया तो वन बाय टू माइनस वन माइनस वन बाय टू के इक्वल, और बेस क्या है नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव। अब देखिए ये एज इट इज़ साथ साथ चलेगा, सब क्या किया ये पावर नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कर लिया हमने, इसको डिनोमिनेटर में ले गए तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, और इसका डेरिवेटिव क्या है नेचुरल लॉग ऑफ दिस थिंग, तो वन ओवर ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x आ गया, और फिर इसी चीज़ का आगे डेरिवेटिव भी आ गया, तो ये 2 इंटू अंडर द रूट नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव क्या है ई रेज टू पावर 2x एज इट इज़ और 2x का डेरिवेटिव 2, इसी तरह से ई रेज टू पावर माइनस 2x एज इट इज़ और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 आ जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन आता है तो 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x, तो ये वाला 2 डिनोमिनेटर वाले 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी जो टर्म्स रह गई हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, फंक्शन हमें गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ अंडर द रूट ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। अब आप देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो अंडर रूट था वो होल जो है वो टर्म के ऊपर अप्लाइड था, तो इस पर हम कोई लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में पार्ट नंबर 8 में देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ जिस पर लॉग अप्लाई हो रहा है उसी के ऊपर अंडर रूट है, तो हमारे लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, या इवन सिंपल लॉग में भी टू द बेस ए में भी हम जो है वो लॉग की यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, तो नेचुरल लॉग में भी यही एप्लीकेबल होती है कि अगर हमारे पास क्या हो जिस पर लॉग अप्लाई हो रहा हो उसकी कोई पावर हो तो पावर पहले आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप देखिए
अंडर रूट है, अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। तो क्योंकि इस पे नेचुरल लॉग अप्लाई हो रहा है तो ये 1/2 पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये 1/2 एज इट इज़, और इस पे जो है वो अप्लाई हो जाएगा लॉग, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखी है, हमने सेम यही चीज़ ये लॉग लॉग जो है वो पहले फाइंड किया हुआ है। तो यही चीज़ जो है वो सारे स्टेप्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, जिसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। आज का लेक्चर यहीं तक था, आई होप आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और कोई भी इशू होगा तो मुझसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।